हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी की है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने फेस को दुपट्टे से कैसे कवर कर सकते हो, किन किन तरीकों से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मियां आ चुकी हैं, और गर्मियों में अक्सर जब भी हम बाहर जाते हैं तो धूप में जाते वक्त हम दो चीजें जरूर करते हैं। फर्स्ट है कि हम सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करते हैं। जी हाँ, सनस्क्रीन को अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत जरूरी होता है। समर्स में खासतौर से सनस्क्रीन को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड हम करते हैं कि अपने फेस को अच्छे से कवर। अपने फेस को अच्छे से कवर करने के बाद ही हम धूप में बाहर निकलते हैं। ये दो चीजें करना बिल्कुल मत भूलेगा, वरना आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आपको टैनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किन तरीकों से अपने फेस को कवर कर बाहर निकलती हूँ धूप में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप गर्मी में बाहर निकलते हैं ना, तो इन चीजों को अपनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट है सनस्क्रीन, सेकंड अपने फेस को अच्छे से कवर कर लीजिए, और जो भी आपके अगर हाथ वगैरह भी अगर कवर नहीं है तो आप ग्लव्स वगैरह भी जरूर पहनिएगा। अपने हाथों को भी अच्छे से कवर जरूर कीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सॉक्स पहनकर ही बाहर जाइएगा, ताकि आपके हाथों और पैरों पर भी और फेस पर भी सनटैन की प्रॉब्लम ना हो और आपको धूप से आपकी जो त्वचा है वो झुलसे ना। तो इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखिएगा, और सनग्लासेस पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा। सो गाइस, यहां पर सबसे पहला जो स्टेप मैं करती हूँ दुपट्टे से फेस को कवर करने से पहले, वो मैं आपको बता देती हूँ। अक्सर जब भी हम दुपट्टे से अपने फेस को कवर करते हैं ना, तो जब हम बाइक पर बैठते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो बेबी हेयर होते हैं ना, वो उड़ उड़ कर सारे फेस पर आने लगते हैं, और जिससे वो ना थोड़ी गुदगुदी होने लगती है, इरिटेट करने लगते हैं वो आपको। तो मैं अपने फेस को कवर करने से पहले अप्लाई करती हूँ अपने बालों पर एलोवेरा जेल। इससे जो बेबी हेयर होते हैं ना, वो आपके फेस पर नहीं आएंगे और अच्छे से आप अपने फेस को कवर कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कॉम कर लिया और अब मैं बन बना लेती हूँ। तो ये है मेरे पास स्टॉल, और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अभी कवर करूंगी। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, ये कल ही मेरी मॉम ने मुझे भेजी है स्टॉल, और कैसी लगी आपको बताइएगा। मुझे वैसे अच्छी लगी है, प्योर कॉटन में है। तो चलिए, मैं अब आपको इसे अपने फेस को कवर करके दिखाती हूँ। तो आपके पास जो भी हो, दुपट्टा हो, स्टॉल हो, तो उसकी हेल्प से आप अपने फेस को कवर कर सकते हो। तो बाय द वे, ये मेरे बेटे के सनग्लासेस हैं, ये मैं पहन रही हूँ अभी, मेरे पास नहीं है। एक्चुअली जो पहले थे ना सनग्लासेस, वो टूट गए थे, तो मुझे भी नए परचेज करने। फिलहाल मैं आपको ये पहनकर दिखा रही हूँ, और जो भी आपके पास सनग्लासेस है वो आप पहन सकते हो। तो फर्स्ट है, इस तरीके से आप अपने दुपट्टे से फेस को कवर कर सकते हो। तो चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप टक कर लीजिए यहां पर, और आपने इस तरीके से लेना है दुपट्टे को।
तो ये है थर्ड स्टाइल। इस तरीके से भी आप अपने दुपट्टे को इस तरीके से फेस पर कवर कर सकते हैं। तो देखा अपने दोस्तों की कितना इजी है अपने फेस को दुपट्टे से कवर करना, और मैं भी इसी तरीके से अपने फेस को अक्सर कवर करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे आज के ये दुपट्टा से फेस को कवर करने के स्टाइल पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।